जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। कॉन्स्टेबल की एग्जाम चल रही है, 50% स्टूडेंट अपने एग्जाम दे चुके हैं। अब बात आ रही है फिजिकल की, तो फिजिकल के लिए भी आपने वीडियो देखे होंगे कितने नंबर पर आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देना है। दूसरी चीज ये है कि इस बार बच्चों को ऐसा लग रहा है सर फिजिकल में 50% वेटेज आपका है, आपका फिजिकल में, और 50% आपका रिटर्न का वेटेज है। तो लगभग लगभग आपको 100 नंबर का आपका एग्जाम हो चुका है, 100 नंबर का आपका फिजिकल है। तो बच्चों को लग रहा है सर फिजिकल में नंबर मारना काफी ज्यादा आसान है, तो मैंने इसका वीडियो बनाकर भी डाला है। फिजिकल में सभी बच्चों की हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। जिनको ऐसा लग रहा है कि फिजिकल में आसानी से नंबर हम स्कोर कर सकते हैं, वो ग्राउंड पर जाएं और तीनों इवेंट का एक बार ट्रायल दे, तो आपको सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि आखिर में क्या स्थिति आपके साथ में फिजिकल में बनने वाली है। तो अगर आपको अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं और अभी भी बोल रहा हूं, आज से और अभी से आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दे। नहीं तो ऐसा ना हो कि एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर होने के बाद भी आप लोग फिजिकल के अंदर कम नंबर स्कोर करें और मेरिट के अंदर आपको बाहर होना पड़े। क्योंकि अभी जो बच्चे जो एग्जाम में कम स्कोर कर पाए और जो थोड़ा सा ज्यादा स्कोर कर पाए, अभी सेम एज सेम कंडीशन आपके साथ में, क्योंकि 100 नंबर का आपका अभी फिजिकल बाकी है। और मेन चीज डिसाइड, मेन खेल जो रहेगा वो फिजिकल का रहेगा, और फिजिकल ही डिसाइड करेगा कि फाइनल मेरिट तक कौन पहुंच पाएगा। तो आपको क्या करना है, फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करना है, और फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी आप लोग चाहते हैं कि सर हमें सेल्फ करना है तो आप लोग सेल्फ भी कर सकते हैं। बाकी एकेडमी ज्वाइन करने के आपको बहुत ज्यादा फायदे, क्योंकि आपको ग्रुप मिलता है, वो ग्रुप के अंदर आप लोग बहुत अच्छे से वर्कआउट कर पाते हैं। आपको तीन इवेंट के यहाँ पर बराबर प्रैक्टिस करवाई जाएगी, तो उसके वीडियो में बना के डाल चुका हूं, आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे चुका हूं जिस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बात रही फिजिकल की, हम थोड़ा सा फिजिकल का वैसे भी बना के डाल चुका हूं, फिर भी मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर फिजिकल में हम आसानी से नंबर स्कोर कर पाएंगे तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है। क्योंकि जब आप ग्राउंड पर उतरेंगे और ग्राउंड पर उतरने के बाद अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है। तीन इवेंट है आपका, मेन है सबसे फर्स्ट आपका आता है रनिंग, जहां पर आपको एक ही चांस मिलता है, ना कि दो चांस मिलते हैं। फिर सेकेंड आता है आपका शॉर्ट पुट, और थर्ड जो चांस है आपका वो आता है आपका लॉन्ग जंप। अब पहले आपका लॉन्ग जंप भी हो सकता है और पहले आपका शॉर्ट पुट भी हो सकता है। अब हाईएस्ट की अगर हम बात करें 2 मिनट 4 सेकंड, जहां पर आपको मिल रहे हैं 40 नंबर। यहां पर शॉर्ट पुट अगर बॉयज की अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 28 फीट आपको जाना है, 28 फीट पर आपको मिल रहे हैं 30 नंबर। और लॉन्ग जंप का अगर हम बात करें तो 18 फीट आपको जाना है, तब जाकर आपको मिल रहे हैं 30 नंबर। तो ये जो मैं बॉयज का बता रहा हूं, और गर्ल्स का भी इस बार काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो दोनों जगह आप मतलब इस कंडीशन सेम है कि आपको रनिंग में टाइमिंग के हिसाब से नंबर मिलने वाले हैं। शॉर्ट पुट में आपको आपका हाईएस्ट 25 फीट है, 23 फीट है, और 15 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है। यहां पर आपका शायद 23 फीट है गर्ल्स का, गर्ल्स को 23 फीट फेंकना है जहां पर आपको 30 नंबर, और 15 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है जहां पर आपको 30 नंबर आपको मिलने वाले हैं। और अगर रनिंग की अगर हम बात करें 2 मिनट 58 सेकंड के आसपास अगर आपको जाना है, तब जाकर आपको 57 या 58 ऐसा कुछ है, यहां पर आपको 40 नंबर मिलने वाले हैं। तो इस पैमाने पर पहुंचने के लिए, इस जो ये नंबर है यहां पर आपको पहुंचने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। बहुत ही कम स्टूडेंट, गिने चुने स्टूडेंट होंगे जो ये डिस्टेंस कवर कर पाएंगे 2 मिनट 4 सेकंड में 40 नंबर या 28 फीट गोला। आपको तीनों इवेंट में से कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम तो आएगी, इसलिए आप पहली बात है अगर आपको अच्छे नंबर है तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दे। अगर आपको ऐसा लग रहा है 5-6 महीने का टाइम है तो ऐसा कुछ भी नहीं, फिजिकल आपका कभी भी हो सकता है, इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। क्योंकि एग्जाम के बाद कोई भरोसा नहीं कब आपको रिजल्ट आए, कब आपको फिजिकल देना पड़े। तो ये पैमाना मैंने आपको बताया जो कि हाईएस्ट है आपका। अब अगर हम बात करते हैं पहले वाले पैमाने के अकॉर्डिंग, कि पहले जो आपका फिजिकल जब क्वालिफाई हो रहा था उस टाइम जो डिस्टेंस है, मतलब जो रनिंग का टाइमिंग है, जो शॉर्ट पुट है, अगर उनको आप कवर करते हैं तो आपको कितने नंबर यहां पर मिलेंगे, तो वहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी कि आपको कितने नंबर वहां पर स्कोर करने वाले हैं। आप लोग अगर उस पैमाने के हिसाब से अगर हम चलने वाले हैं तो आपको क्या करना रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, हम पहले बात करते हैं मेल की और फिर उसके बाद करते हैं फीमेल की। वीडियो ज्यादा लेंदी नहीं है आपका, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो, आप इसको देखिए। अगर हम पहले की बात करें तो आपको क्या करना है, आपका जो डिस्टेंस था वो 800 मीटर रहता है आपका, जहां पर पहले टाइमिंग था आपका 2 मिनट 45 सेकंड, जिसकी बात अगर हम करें तो नंबर की अगर हम बात करें 2 मिनट 45 सेकंड का, तो लगभग लगभग 17 नंबर आपको वहां पर मिलने वाले हैं 2 मिनट 45 सेकंड में अगर आप लोग रनिंग निकालते हैं तो। दूसरी चीज अगर हम शॉर्ट पुट की बात करें, शॉर्ट पुट आपका था बॉयज का 19 फीट
पहले आपको फेंकना रहता था, इस बार आपका 28 फीट है। अगर 19 फीट अगर आप लोग फेंकते हैं तो उसका नंबर आपको कितना यहाँ पर मिलने वाला है, तो उसकी अगर हम बात करें तो जिसका आपको वजन भी मैं बता देता हूँ आपको, 7.5 किलो का लगभग लगभग 7.260 आपका रहता है, जिसका डिस्टेंस आपको यहाँ पर इस बार का जो हाईएस्ट पैमाना वो 28 फीट है। अब अगर हम बात करते हैं ये जो डिस्टेंस है तो इसका जो नंबर आपको मिलने वाला है 13 नंबर, कितना मिलने वाला है 13 नंबर, और इस बार का जो पैमाना आपको बताओ उसके हिसाब से आपका ये हो रहा है 5.79, है ना। फिर अगर हम बात करें लॉन्ग जंप की जो थी आपकी 13 फीट की अगर हम बात करें तो इस बार आपको मिलने वाले हैं 19 नंबर, कितने मिलने वाले हैं 19 नंबर, तो आप जोड़ सकते हो ये आपका हो रहा है 7, 3, 10 और 1, 9, 19 और ये आपका हो रहा है 4, तो लगभग लगभग 40 से 45 या 40 से 50 नंबर पर आप लोग पहुंच रहे हैं, जो आपका पहले वाला फिजिकल होता था जो क्वालिफाई था उसके अकॉर्डिंग आप लोग फिजिकल मारते हैं, जो कि इस बार के हिसाब से बहुत कम नंबर है। अगर 40 से 45 नंबर अगर आप लोग मारते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मेरिट में प्रॉब्लम आने वाली है, ये मैं आपको बता रहा हूं। 2:45 आपका टाइमिंग था, उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग इस बार मारते तो लगभग लगभग 17 नंबर आप लोग कवर करेंगे। 19 फीट गोला था उस टाइम, उस ऐसे अगर आप फेंकते 19-20 तो आपको 13 नंबर, और आपका 13 फीट लॉन्ग जंप था जहां पर आपको 19 नंबर, तो ऐसे करके एक दो नंबर आगे पीछे अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग 40 से 50 नंबर का आपको फिजिकल हो रहा है पहले के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, तो उसके लिहाज से आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की यहाँ पर आवश्यकता होने वाली है। अब हम बात करें गर्ल्स की कि सर गर्ल्स का क्या, गर्ल्स का अगर हम पहले वाले फिजिकल की हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कितने नंबर आपके यहाँ पर हो रहे हैं। अगर गर्ल्स की हम बात करें, आपको पता है 4 मिनट आपका टाइमिंग था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग फिजिकल मारेंगे तो आपको रनिंग के अंदर 10 नंबर मिलेंगे, 10 नंबर या 10-12 नंबर, एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है टाइमिंग से, तो 4 मिनट आपका टाइमिंग था। अब हम बात करते हैं किस चीज की, 15 फीट आपका था शॉर्ट पुट, कितना था 15 फीट आपका था शॉर्ट पुट, उसके अंदर कितने नंबर आपको यहां पर मिलने वाले हैं, तो लगभग लगभग 12 नंबर आपको वहां से मिलने वाले हैं। और फिर आपका आता लॉन्ग जंप जो कि डिस्टेंस थी आपकी 10 फीट आपकी लॉन्ग जंप यहां पर थी पहले की, अगर हम बात करें 2022 है उससे पहले वाले फिजिकल में, तो ये लॉन्ग जंप थी, अगर उसके हम नंबर की बात करें तो वो आपको लगभग लगभग यहाँ पर मिल जाएंगे 20 नंबर, तो एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है आपको, तो ये लगभग लगभग आपका मिल रहा है 32 नंबर। तो मैंने आपको बताया जो पहले फिजिकल था अगर हम मेल है तो उस अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे तो 45 से 50 नंबर आपका यहाँ पर हो रहा है, और फीमेल है तो आपका जो नंबर हो रहा है ये लगभग लगभग आपका होता है 32 से 35 नंबर, जो कि इस बार के फिजिकल के हिसाब से बहुत कम नंबर है। इसलिए अगर आपका पेपर हो चुका है तो आप लोग समय से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दे अगर आपको अच्छा नंबर स्कोर करना है। ये आप देख सकते हैं पूरा मैं डाटा निकाल के लाया था आपको गर्ल्स और बॉयज का पिछली बार के हिसाब से, तो ज्यादा समय आपके पास में नहीं है। आपको क्या करना है, आपको अगर फिजिकल हो गया है सॉरी आपका रिटर्न हो गया है तो ये नंबर आपको नोट डाउन करना है जहां पर आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से बहुत अच्छी फिजिकल की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। इस पर कॉल कीजिए, 2 दिन के लिए आपको ऑफर में एडमिशन मिल जाएगा जहां पर बहुत ही कम फीस के अंदर बहुत अच्छा फिजिकल आप लोग कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एक बार आप एकेडमी आइए 2-3 दिन आप फिजिकल करके देखिए, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप लोग कंटिन्यू कीजिए, अच्छा लगने के बाद ही आपको फीस सबमिट करना है, ऐसा भी नहीं आपको पहले फीस सबमिट करना, आप लोग 2 दिन ट्रायल करके देखिए, अगर आपको लगता है कि हाँ सर वास्तविकता में आपको फिजिकल हो रहा है, जहां पर आपको मैंने पहले बोला रनिंग आपका और शॉर्ट पुट और आपका लॉन्ग जंप, अब आपको पता है इन सारी चीजों के लिए अलग अलग एक्सरसाइज करनी पड़ती है, रनिंग का शेड्यूल अलग है शॉर्ट पुट का अलग है, शॉर्ट पुट के लिए आपको शोल्डर की पावर, लॉन्ग जंप के लिए आपको बहुत सारी एक्सरसाइज है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी, तो कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट है, मतलब इतना भी नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100% हो जाएगा। इसके लिए आप अभी से लग जाइए, पहले तो आप सभी को जो त्यौहार है आप उसको एंजॉय कीजिए, एक दो दिन का समय, फिर 1 तारीख से आप लोग लग जाइए, 1 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप लोग कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम है आपका, जहां पर आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाएगा जिसका फीस है 5,000 रुपए और फिजिकल नाम मात्र फीस में आपको करने का यहाँ पर मौका मिलने वाला है। तो चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो अपडेट तुरंत आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।